जी डिस्क्लेमर, इस वीडियो के अंदर गालियां है तो प्लीज ईयरफोन डाल लो। अगर आप किसी भी टीचर के अंधभक्त हो तो प्लीज इस वीडियो को यहीं छोड़ दो। और हाँ, इस वीडियो के अंदर मेरा ओपिनियन है, मैं किसी भी टीचर से हेट नहीं करता। और सबसे बड़ी बात, मेरे को अपने ओपिनियन देने के कहीं से पैसे नहीं मिले हैं, तो प्लीज। पिछले 2 महीने से मैं अपने कंटेंट पे काफी चेंज कर रहा था, इम्प्रूव करने का ट्राई कर रहा था। एंड यार, मुझे नहीं पता पर कैसे तुम लोगों ने उस चीज को समझा, नोटिस किया एंड मेरे को अप्रिशिएट किया उस कंटेंट के लिए, तो थैंक यू सो मच। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ज्यादा कुछ नहीं, पर मैं ये प्रॉमिस जरूर कर सकता हूँ कि फ्यूचर के अंदर कंटेंट और इम्प्रूव होगा, तो सब्सक्राइब कर दो क्यूटी। और 600 के सब्सक्राइबर हुए तो मैं सोच रहा हूँ कि इंदौर के अंदर एक फैन मीट कर ले। तो इंस्टाग्राम पर अगर तुमने को फॉलो कर, टॉपिक पे आते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिक्स वाला वर्सेस अवंतर वाला। देखो भाइयों और क्यूटीज, हो सकता है कि जिन लोगों के बारे में आज मैं वीडियो में बात कर रहा हूँ तुम उनको जानते ही नहीं हो, और तुम ये सोचो अबे यार ये किसके बारे में बात कर रहा है आज, अच्छा वाला कुकरेजा को गाली देना। नहीं, इस वीडियो को आराम से और दिमाग खोल के देखो, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आपका रिएक्शन। भाई दीप की आज वाली वीडियो के अंदर चाहे उसने किसी को क्रिंज नहीं बोला, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला यार, कि कोचिंग ये ऑनलाइन इंस्टीट्यूट भी एक बिजनेस होता है। बिजनेस कैसे पता चला मेरे को, क्योंकि मैं क्रेजी दीप को इंस्टाग्राम पे फॉलो करता हूँ। फिजिक्स वाला अमन धतरवाल दोनों टीचर हैं। सिर्फ टीचर्स नहीं, मैं ये कहूंगा कि जो इंडियन ऑनलाइन एजुकेशन है या फिर ये यूट्यूब से पढ़ाई है, इस चीज के अंदर इन दोनों ने एक रेवोल्यूशन लाया है। मैंने अलग सर मतलब फिजिक्स वाला के ऊपर एक वीडियो भी बनाई है, जिसके अंदर मैंने यही बताया था कि कैसे इन्होंने एक रेवोल्यूशन बदलाव लाया है, कि कैसे आप JEE और NEET जैसी एग्जाम्स की प्रिपरेशन घर बैठे कर सकते हो। देखो, एक मिडिल क्लास स्टूडेंट या एक गरीब घर का लड़का अफोर्ड नहीं कर सकता कोटा में जाके किसी महंगे इंस्टीट्यूट में पढ़ना, वहाँ की फीस, वहाँ का रेंट, खाना पीना और बाकी सब। लेकिन बजट में जो कोर्सेस है या फ्री ऑनलाइन क्लासेस है, उसके जरिए वो अपने घर पे बैठ के भी JEE और NEET जैसी ऐसी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करता है। और बेस्ट चीज ये है कि अलग सर मतलब जो फिजिक्स वाला ये अमन सर, उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐसी एग्जाम्स क्रैक भी कर चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि समाज में बदलाव लाने वाले दो अच्छे टीचर आपस में क्यों लड़ लिए? इतने भी बच्चे, मैं पूछना चाहूंगा क्या वो इतना बड़ा वीडियो में क्या था, समझ आया? हम लोग बहुत पुराने हैं सर, ये शायद बातें बच्चों को नहीं पता हो जो हम लोग करेंगे। एक तो ये माइक क्यों खराब था सर आपका? सर आपके पहले वीडियो देखे हैं मैंने, आपको किस वीडियो में देखे थे। तो इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है अमन सर से। अमन सर ने 30 मिनट की वीडियो निकाली, जिसके अंदर उन्होंने अलग सर मतलब फिजिक्स वाला के ऊपर बहुत से एलिगेशन आरोप लगा दिए। अमन सर का फर्स्ट पॉइंट ये था कि फिजिक्स वाला अमन सर के इंस्टीट्यूट से टीचर्स को चुरा रहे हैं कोचिंग। ये वीडियो हम आगे देख भी लेते दीप तेरे लिए, पर अब ये क्या वर्ड यूज कर रहा है? पोचिंग क्या होता है? पोछा लगाना होता है क्या पोचिंग का मतलब? समझा तो सही। नहीं, पोचिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि एक टीचर जो यहाँ पे काम करता है उसको दूसरा बंदा ज्यादा सैलरी दे के अपने आप बुला ले, और उस लालच के अंदर ना ये टीचर अपना एग्रीमेंट पूरा करे ना नोटिस पीरियड सर्व करे। नोटिस पीरियड अरे नोटिस पीरियड सर्व करना मतलब जब भी आप कोई जॉब छोड़ते हो तो आपको रेजिग्नेशन के 30 दिन बाद तक भी वहां पे काम करना पड़ता है, उसे ही कहते हैं नोटिस पीरियड सर्व करना। पर एलिगेशंस ये कि फिजिक्स वाला ने अमन सर के 4-5 टीचर उठा लिए, एडिटर्स उठा लिए, और फिर उन टीचर्स ने ना एग्रीमेंट पूरा किया ना नोटिस पीरियड। दूसरा पॉइंट ये था कि इन सब की वजह से अमन सर डिप्रेस्ड हो गए, और उनको डिप्रेशन में देख उनकी फैमिली मतलब उनके फादर भी हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। उनका थर्ड पॉइंट ये था कि अमन सर की किसी एक बंदे से लड़ाई थी और उस लड़के ने इनको गाली भी दी थी, लेकिन इस बंदे को सपोर्ट करने जो अमन सर के खिलाफ था उसको सपोर्ट करने फिजिक्स वाला के वकील आ गए, मतलब फिजिक्स वाला का वकील मेरे दुश्मन को सपोर्ट कर रहा है। ये पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट कि जो टीचर मेरे को छोड़ के गए ज्यादा सैलरी के लिए, उन लोगों ने थोड़े टाइम बाद लिंक्डइन पे मेरी ही बुराई शुरू कर दी, मेरी बीचिंग कर दी, और वो लोग मेरे दूसरे स्टाफ को भी अब फोन लगा के बोल ले कि वहां से छोड़ दे और इधर काम कर ले। अब इतने सीरियस एलिगेशन किसी एक अच्छे टीचर ने फिजिक्स वाला पे लगाए तो ऑब्वियसली उनको काफी हेट मिलने लगे स्टूडेंट से। पर मैंने ये चीज तुम्हें संदीप माहेश्वरी वाली कॉन्ट्रोवर्सी में भी बोली थी कि एक साइड की स्टोरी जान के पूरा डिसीजन नहीं लेते। और यहाँ पे आता है एक ट्विस्ट। अब फिजिक्स वाले ने अमन सर पे 1 घंटे की पूरी वीडियो डाल दी। डियर पांडे सर, आपकी कंपनी की वैल्यू 8,000 से भी ज्यादा करोड़ की है, मैं समझ गया, पर 80 रुपए का माइक तो अपन लो है। पूरी 1 घंटे की वीडियो के अंदर आवाज की क्वालिटी की मार्क पर आपने नहीं किया, मतलब आपको पता है मुझे बिना कॉल किया, नंबर है आपके पास, अभी खुद कम्युनिटी पोस्ट में आपने लिखा है कि व्हाट्सएप पे बात।
मैसेज कर सकते थे ना, ये अलग सर। लेकिन यहाँ पे वॉइस क्वालिटी नहीं मैटर करता है, सच ट्रुथ। ये टीचर हमारा या हमारा छोड़ा हुआ, यहाँ में छोड़ के 4 महीने हुआ हुआ, आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे मसले ऐसे बोल देते। पहला पॉइंट जहाँ पे उन्होंने रिप्लाई दिया कोचिंग पे, लेकिन मेरे को बेस्ट चीज ये लगी कि अमन सर ने जो बोला कि हमारे 4-5 टीचर गए, उन्हीं टीचर्स ने फिजिक्स वाला की वीडियो के अंदर कोचिंग के बारे में एक्सप्लेन किया कि भैया क्यों उन्होंने अमन सर को छोड़ा। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि उन्होंने नोटिस पीरियड सर्व किया था, उन्होंने इस चीज का प्रूफ दिखाया, मेल्स भी दिखाए। एक और चीज क्यों टीचर्स ने ये भी बताया कि अमन सर जो कोर्सेस लॉन्च कर रहे थे या जो प्रॉमिस कर रहे थे बच्चों से कि हम ये कोर्स लाने वाले हैं या ये कोर्स कंप्लीट करवाएंगे, तो ना कोर्स कंप्लीट हो रहे थे ना जो बातें की जा रही थी स्टूडेंट से वो पूरा किया जा रहा था। ये एक रीजन था कि वो टीचर्स या अमन सर का दूसरा स्टाफ भी अब उनको छोड़ रहा है। इसके बाद दूसरा पॉइंट कि फिजिक्स वाला ने अमन सर पे ही उल्टा रिवर्स कोचिंग के एलिगेशन लगा दिए। ये अर्जुना में जाने वाले थे, हमारे अर्जुना बैच थे, अर्जुना जेई में जाने वाले थे 2.0 में थे। 13 अगस्त को ये अपनी कक्षा ज्वाइन कर लिए और ये विजय बैच में लॉन्च हो। दिस इज लेजिट कोचिंग। नोटिस पीरियड सर्व करना तो छोड़ो, जॉब लगते ही देखा कि अच्छा ये ज्यादा दे रहा है तो चेंज, तो ये तो कोचिंग है। थर्ड पॉइंट, अब जो टीचर अमन सर को छोड़ चुके हैं उन्होंने बताया कि पिछले 3-4 महीने में 75 से ज्यादा स्टाफ मतलब टीचर्स और स्टाफ अमन सर को छोड़ चुका है, उसमें से सिर्फ 3 या 4 लोग ही फिजिक्स वाला ज्वाइन किए हैं और उसमें से एक टीचर को अमन सर ने खुद टर्मिनेट किया था विद स्क्रीनशॉट। तो जब हायरिंग हुई है इंटरव्यू दे के आए तो ये कोचिंग कैसे हुई। फोर्थ और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जैसा अमन सर ने कहा कि फिजिक्स वाला ज्वाइन करने के बाद ये टीचर मेरे खिलाफ लिंक्डइन पे पोस्ट करने लग गए। इसका रीजन टीचर्स ने ये दिया कि एक सूरज सर थे जिन्होंने अमन सर की मूवी बनाने के लिए डायरेक्शन दी थी, 10 दिन की पूरी एडिटिंग दी थी, घंटों बैठ के काम किया था, लेकिन एक छोटे से डिस्प्यूट विवाद के चक्कर में अमन सर ने उनका नाम डिस्क्रिप्शन के क्रेडिट से पूरा हटा दिया था। तो ऑब्वियसली ये चीज किसी के लिए भी बुरा फील करवाएगी कि हमने मेहनत करी है पर हमारा ही नाम हटा दिया। और उन सर के सपोर्ट में इन सारे लोगों ने मतलब दूसरे टीचर्स ने उनके फ्रेंड्स ने लिंक्डइन पे ऐसी पोस्ट की थी। अब इसको छोड़ के भी फिजिक्स वाले ने अमन सर पे बहुत सारे एलिगेशंस लगाए और उन्होंने हायरिंग, गूगल फॉर्म, इन्वेस्टर और उनकी जो पास्ट कंट्रोवर्सीज थी उसके बारे में बात की। अरे अलाक सर, इतना टेंशन नहीं लेने का, ज्यादा टेंशन लेने से ना बाल उड़ जाते हैं। अब मैंने अमन भैया और फिजिक्स वाले भैया की सारी वीडियो देख ली, उसके बाद मैंने एक ओपिनियन बनाया, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं बकवास चीजों की। अमन सर की दोनों वीडियो के अंदर एक पॉइंट था कि एक वकील जो फिजिक्स वाला के लिए फुल टाइम काम करता है वो मेरे हेटर को या जो बंदा मेरे को गाली देता है, मेरी लड़ाई होती है उससे, उसको सपोर्ट करता है या उसका केस लड़ता है। इवन उनकी जो सेकेंड वीडियो है उसकी स्टार्टिंग 6 मिनट तक यही बात होती है, हमारा किसी के साथ डिस्प्यूट है तो उसके पीछे जो लॉयर है वो फुल टाइम PW में। डियर अमन सर, अब कोई बंदा अगर मेरे लिए काम करता है या आपके लिए काम करता है तो वो दुनिया में बाकी क्या चीजें कर रहा है कि जवाबदारी आप पे या मेरे पे नहीं है। ऑब्वियसली वो एक वकील है, उसका काम है किसी का भी केस लेना पैसे लेके, तो इसके अंदर फिजिक्स वाला क्या कर सकता है। आप खुद बताते हो कि आप चप्पल में घूम रहे हो, i20 चला रहे हो, पूछा किसी ने नहीं, खुद ही वीडियो, ये रिप्लाई वीडियो के अंदर चप्पल और i20 कहां से आ रही है, स्प्लेंडर कहां से आ रही है। अमन सर, आपने अपनी पहली वीडियो के अंदर उनके इन्वेस्टर और फंडिंग के ऊपर क्वेश्चन किए थे, तो ऑब्वियसली उनका तरीका है ये स्प्लेंडर और चप्पल, इस तरीके से ही वो रिस्पॉन्ड करते हैं। क्या शुरुआत इसी चप्पल में किए थे कि दूसरा चप्पल में? हमेशा आप चप्पल ही पहने रहते हैं सर। जूता काटता है हमको। जूता काटता है और हमेशा सर चप्पल में ही रहते हैं। अच्छा, चप्पलवा निकाल के बचवा सबको नहीं ना मारता है, गलती वलती करता है? नहीं नहीं, इस बारे में कैमरे पे नहीं बताएंगे। कैमरे पे नहीं बताएंगे। और भी मेरे को कुछ बहुत ही बेमतलब सी बातें लगी कि हमारे एडिटर को उनके एडिटर कॉल कर रहे हैं कि उधर आ जाओ। ऑब्वियसली अगर मेरा दोस्त किसी कंपनी में काम करता है तो मैं उसको बोलूंगा कि देखो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, मेरे को यहाँ पे आउट ज्यादा मिलेगा तो तू ज्वाइन कर। और अगर एक एम्प्लॉय ऐसा कर रहा है तो इस चीज के अंदर बॉस की क्या गलती। और यहाँ पे एक और चीज है कि आप जो कॉल रिकॉर्डिंग डाल रहे हो चैनल पे ये इलीगल है। और एक और चीज कि जब आपके स्टाफ पे 70 से 80 लोगों ने जॉब छोड़ी है उसमें से सिर्फ 4 या 5 लोग फिजिक्स वाला ज्वाइन करते हैं, तो आप उन 70-80 को छोड़ के उन 4-5 को लेके फिजिक्स वाला के ऊपर कोचिंग का एलिगेशन लगा रहे हो। इवन आपने जिन टीचर्स को खुद ही टर्मिनेट किया, आपने अपनी वीडियो में कहीं पे भी मेंशन नहीं किया कि मैंने इस टीचर को टर्मिनेट किया, आपने बस यही बोला कि इन सारे लोगों ने नोटिस पीरियड सब नहीं किया, अपना एग्रीमेंट तोड़ दिया। और इन सब चीजों को जब मैंने नोटिस किया तो मुझे समझ में आया मैनिपुलेशन।
ये अपनी कक्षा ज्वाइन कर लिए? पूछा किसी ने नहीं। अब फिजिक्स वाला वाली वीडियो के अंदर जब अमन सर पे एलिगेशन लगे कि उनके कोर्स ही कंप्लीट नहीं हो रहे इसलिए टीचर उनको छोड़ के जा रहे हैं, तो इस चीज के ऊपर अमन सर का रिप्लाई ये था, सर हमने कभी समय नहीं निकाला किसी के बारे में कमेंट करने का कि भाई ये अच्छा पढ़ाता है बुरा पढ़ाता है, सारे क्रिएटर्स बहुत अच्छे हैं सर, चाहे कोई एक चैप्टर पढ़ाए पांच पढ़ाए पूरा कोर्स पढ़ाए बच्चे के लिए तो बोनस है। क्या बोनस है सर, जब कोर्स आधा ही हो जाएगा टीचर स्टाफ ही चेंज हो जाएगा या कोर्स कंप्लीट ही नहीं होगा, जब आपके बारे में इस तरीके से स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे होंगे तो आप बस उस चीज को इग्नोर कर रहे हो, बट वो सॉल्यूशन नहीं है। आपकी सेकेंड वीडियो में भी आपने स्टार्टिंग 6 मिनट तक वही वकील वाली बात करी जो बिल्कुल यूजलेस है, बट वो काइंड ऑफ एक इमेज बना रही थी फिजिक्स वाला की जैसे वो एक विलन है जो आपने अपने स्टूडेंट्स को मैनिपुलेट करने के लिए बनाया। आपकी फर्स्ट वीडियो के अंदर आपने बताया कि आप कैसे डिप्रेस्ड हो और उसकी वजह से आपके फादर हॉस्पिटलाइज्ड है, तो जब ये चीजें आप एक सीरियस वीडियो के अंदर बताते हो तो जाहिर सी बात है कि कुछ स्टूडेंट्स हुए वो आपको सिंपैथी देंगे और उसका रिजल्ट ये आएगा कि जो सामने वाला जिस पर आप वीडियो बना रहे हो उसको हेट पड़ेगी। आपने खुद ही एक टीचर को टर्मिनेट किया, आपने ये चीज क्लियर नहीं करी जबकि आपने ये बोला कि सारे टीचर्स ने एग्रीमेंट ब्रेक किया। उसके बाद जो एलिगेशन फिजिक्स वाला ने आपके ऊपर लगाए थे रिवर्स कोचिंग, आपने अपनी सेकंड वीडियो में कहीं पे भी एक सेकंड के लिए भी उस बारे में जिक्र नहीं किया। आपकी फाइनल वीडियो के अंदर जहां पे फैक्ट्स होने चाहिए थे जिसका टाइटल था झूठ का द एंड, वहां पे आप फैक्ट्स की जगह मोटिवेशन दे रहे थे। ठीक है सर, हम छोटे आदमी हैं आप बड़े लोग हो। अंत में सभी स्टूडेंट्स को यार एक चीज कहना चाहेंगे, जीवन में जब भी आपको 10 बार गिराया जाए जो 11वीं बार उठता है वही विजेता होता है। अरे सर ठीक है, हमको मोटिवेशन नहीं प्रूफ चाहिए, फिर पढ़ाई भी तो करनी है। अब एक लास्ट और मेरा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं एज अ क्रिएटर और मैं एज अ यूट्यूबर वो चीज समझ सकता हूँ, शायद तुम लोग ना समझो। मैंने फिजिक्स वाला और अमन सर की दोनों पूरी वीडियो देखे, यहाँ पे मैंने एक चीज नोटिस की कि फिजिक्स वाला की जो 1 घंटे की वीडियोस थी उसके अंदर एडिटिंग के नाम पे सिर्फ चेहरों को ब्लर किया गया, जहाँ पे सैलरी दिखाई जा रही थी उसको ब्लर किया गया, इसको छोड़ के कोई भी पार्ट को ट्रिम नहीं किया है। इवन 2-3 टीचर आए उन्होंने अलग अलग बातें की लेकिन कोई भी पार्ट को वहाँ से ट्रिम नहीं किया गया, जबकि अमन सर की अगर आप वीडियो नोटिस करोगे तो उन्होंने बहुत सारे पार्ट्स ट्रिम आउट किए। ऑर्गेनिक का मतलब है कि जो चैनल पे डल रहा है उससे रीच आना। और सर मैं कब कह रहा हूँ कि आप अपने आप को ऑर्गेनिक मत कहना, सर आप हमारे प्ले बटन्स को बीच में क्यों लेकर आ रहे हैं? सर ये बिल्कुल ओरिजिनल वीडियो है, मैंने एडिट नहीं की, तुम चेक कर सकते हो। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आप बिल्कुल रो एंड रियल वीडियो बना रहे हो रिस्पॉन्ड कर रहे हो किसी चीज को, तो आपने ऐसी कौन कौन सी चीजों को ट्रिम कर दिया, आपने कौन सी अपनी बातों को ट्रिम कर दिया जिससे आपको फील हुआ कि शायद ऑडियंस मेरे खिलाफ हो जाए? 75 का स्टाफ गया लेकिन सिर्फ 4 या 5 लोगों को लेके कोचिंग का इल्जाम, प्रूफ्स के नाम पे बस मोटिवेशन और मैनिपुलेशन था यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात जो आपकी मूवी वाली कंट्रोवर्सी थी उसके बाद आपको पता था कि लिंक्डइन पे क्यों जो टीचर्स हैं वो आपके खिलाफ हेट फैला रहे हैं, पर उस चीज को आपने अपनी वीडियो में क्लियर नहीं करा। इन सब चीजों को आपने फिजिक्स वाला के खिलाफ यूज किया उनको एक विलन बनाने के लिए, तो मेरे को इस कंट्रोवर्सी में लगता है भैया कि फिजिक्स वाला सर सही है और कहीं ना कहीं अमन सर हमें मैनिपुलेट करना चाहते हैं। ये मेरा ओपिनियन है, मैं किसी से भी हेट नहीं करता, ये बस मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी दोनों टीचर ने जो पास्ट में रेवोल्यूशन लाया है उस चीज के लिए भैया मैं तो हमेशा इनका फैन ही रहूंगा, पर ये वीडियो के अंदर मेरा ओपिनियन था। अब अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई मजा आया तो यार लाइक करो शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो भाई, और हाँ इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करना मत भूलना क्योंकि यार इतना सेक्सी रोंडा तो यार नहीं मिलेगा तुम्हें भाई। ठीक है, पूछा किसी ने